इधर के कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा में शुक्रवार रात पड़ोसी से विवाद में बीच बचाव कर रहे बुजुर्ग की धक्का लगने से गिरने पर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराते हुए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चार लोगों पर दर्ज किया है। बताया गया कि निकिल पुलिस का काम करने वाले भुजपुरा के 53 वर्षीय सफरुद्दीन के परिवार में चार बच्चे और पत्नी मीना बेगम है। शुक्रवार रात सफरुद्दीन अपने बेटे रिजवान संग स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी ब्रेकर पर स्कूटी अनियंत्रित हो गई। इस दौरान पड़ोसी महिला अंजुम ने एतराज जताया कि धीरे क्यों नहीं चला रहे। इसी बात पर वहां विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई। सफरुद्दीन ने बीच बचाव किया तो आरोपी पक्ष के युवकों ने सफरुद्दीन को धक्का दे दिया। वे जमीन पर गिरकर अचेत हो गए। परिजन तत्काल उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में बेटे की ओर से अंजुम, सादाब, भोला और आसिफ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इधर पोस्टमार्टम में मौत का कारण हृदयघात आया है। इधर बुजुर्ग की मौत और खुद के खिलाफ मुकदमे की तैयारी। अब खबर पर आरोपी पक्ष पहले अपनी ओर से झगड़े की तैयारी लेकर थाने पहुंच गया, जहां पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। क्या मामला है सर इसका? कल भुजपुरा में दो प्रेसियों में आपस में विवाद हो गया था, जिसमें सफरुद्दीन उम्र 52 वर्ष को जो है उनके द्वारा धक्का मार दिया गया था, जिसमें अस्पताल में ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें उनके परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उसी धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 100 के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सभी विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही है, अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। सर कितने लोगों के विरुद्ध? चार लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, सभी विधिक प्रक्रिया